हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर कार्डलेस EMI के बारे में कि अब सभी लोग को ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बट जब भी क्लिक कर रहे हैं पहले हम सर्च बारे में आप लोग देख रहे हैं। अगर सर्च करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आता है जैसे आप अप्लाई करने जाते हैं आपको मिलता ही नहीं है। कुछ लोग को मिल जा रहा है, तो काफ़ी लोग के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, काफ़ी लोग का जो है कोई ऐसा जो है पे लेटर नहीं है जिससे वो EMI के रूप में सामान ले सकें। जेस्ट मनी है, बट जेस्ट मनी में एक अलग लिमिट मिलता है। तो फ्लिपकार्ट का ये जो सर्विस है काफ़ी लोग ले रहे हैं, काफ़ी लोग को अच्छा लग रहा है और काफ़ी लोग शॉपिंग करके अपना इस काम को पूरा कर रहे हैं। तो पहले आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि अगर आपको ये ऑफर शो कर रहा है तो आप इसे ले रहे हैं तो आपको भविष्य में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और इसको हमारे लिए भी ऑफर आया था बट हमने एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए मेरे को नहीं मिल रहा है। तो पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो प्लीज़, मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, इसे लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, ये जो फ्लिपकार्ट है पे लेटर कार्डलेस EMI है, इसका मतलब ये है, आप जानते हैं कि आज आप सामान खरीदते हैं आप इसे आसानी से किस्तों में पैसा पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब क्या है कि लोगों को ये पसंद आ रहा है। रीजन ये है कि भाई हम 15,000 रुपये का मोबाइल लेते हैं, उसको EMI में पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। बट यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है जो मैंने अपने आप को पिछली वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा सिविल में इफेक्ट आ रहा है। काफ़ी लोग बोलते हैं भाई मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये जो पे लेटर और कार्डलेस EMI सिस्टम होते हैं, इन लोग का टारगेट होता है सिविल। अगर ये लोग सिविल में अच्छे से रिपोर्टिंग करने लगे, अगर सुधार कर दें तो लोग क्यों परेशान हों और आसानी से लोग अपना इनको एक्सेप्ट करके और शॉपिंग भी करें। तो ये जो सभी लोग को नहीं मिल रहा है, इसका कारण ये है कि काफ़ी लोग पे लेटर को बंद करवा दिए हैं, उनका सिविल खराब हो रहा था तो पे लेटर बंद हो गया, तो इसकी वजह से उन्हें ये भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि अगर हमें ये ऑफर शो कर रहा है तो क्या हम इसे एक्सेप्ट कर लें, इसे अप्लाई कर लें? बिल्कुल, अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है, अगर आपकी प्राइवेटी शॉपिंग करना है, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ले सकते हैं। बट देखिए, मैं एक यूट्यूबर हूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरी सलाह आप मांगोगे तो मैं तो आपको मना करूँगा कि आप इसे मत लीजिए। रीजन ये है कि इनको लेने से प्रॉब्लम ये है कि सिविल में जो रिपोर्टिंग होती है, जो इंक्वायरियाँ जाती हैं, ये लोग जेन्युइन तरीके से नहीं करते हैं। नाम है कार्डलेस EMI, इसको दिखाते हैं पर्सनल लोन के नाम से। तो भाई आपको पता है कि जब जो चीज़ें जो रूल्स बने हैं उसके गाइडलाइंस के अनुसार चलना चाहिए। तो ये जो फ्लिपकार्ट का जो कार्डलेस EMI सिस्टम आया है, काफ़ी यूट्यूबर आप लोग देख रहे हैं, तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। जब लोग एकदम परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे हमारा सिविल गिर रहा है, तो फिर उसके बारे में बुराई करेंगे। पहले तो आपको चढ़ाएंगे डाल पे, अब आप अप्लाई करके ले लोगे, जब आपका लॉस जाएगा तो फिर आपको बोलेंगे आप इसे ब्लॉक कर दो। वही रास्ता आपको बताएंगे, पहले तो आपको बताएंगे आप ले लो, बाद में बोलेंगे ब्लॉक कर दो। तो दोस्तों, कार्डलेस EMI कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, अच्छी होती है। बट कुछ लैंडिंग पार्टनर ऐसे होते हैं जो सिविल पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको कार्डलेस EMI अगर मिल रहा है, अगर आपका इनकम स्रोत अच्छा है, अगर फैमिली आपकी अच्छी है, पैसे आ रहे हैं, तो आप इसे मत लेना। अगर आपकी प्राइवेटी है, शॉपिंग करना ही आपको ज़रूरत है, सिविल से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको ऑफर आ चुका है तो आप इसे ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं देखो इसको नहीं लिया हूँ, आपको पता है मैं आपको बताया था कि मैं Amazon पे लेटर भी यूज करता हूँ, उसको मैं बंद ही करने वाला हूँ। बट क्या है कि मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है, तो उतना मेरे को बुरा नहीं लगता है Amazon पे लेटर। बाकी ये लोग थोड़ा से प्रॉब्लम खड़ा करते हैं क्योंकि कैपिटल फ्लोट एक अच्छा लैंडिंग पार्टनर है, तो शायद मुझे अच्छा लगता है Amazon पे लेटर क्योंकि उनका लैंडिंग पार्टनर कैपिटल फ्लोट भी है और IFFC फर्स्ट बैंक भी है। मुझे आप बताओ, क्या आप इसे लेना पसंद करते हो, या आप इसे ले चुके हो, या इसे यूज कर रहे हो? थोड़ा अपनी राय कमेंट में देना, हम भी जाने कि कौन कौन से लोग इसे लेकर हैप्पी हैं, खुश हैं। तो सो प्लीज़, आप इस वीडियो को लाइक करके जाना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कर देना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।